आ गया। आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसके लिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, नेटवर्क इशू। ऑनलाइन इंटरव्यू है तो नेटवर्क इशू। ऑफलाइन रहता तो क्या, बस लेट है, ट्रैफिक लग गई, ट्रेन छूट गई। तुम सॉरी सर। लोग को ना तो बहाने चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे जनरेशन का प्रॉब्लम है। तुम लोग को ना सीरियसनेस ना की कोई चीज है नहीं। खैर छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। ओके पीयूष, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर माई सेल्फ पीयूष शर्मा, आई एम फ्रॉम दादर मुंबई एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आर एम कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एंड आई पीयूष वॉन्ट। पीयूष, आई नो योर नेम, आई नो वेयर यू स्टे। टेल मी समथिंग विच इज नॉट मेंशन हियर। ओके ओके, कैन यू टेल मी व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी? सर मैं बींग अ फ्रेशर वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज माई टैलेंट, इनहेंस माई स्किल्स बाई एक्वायरिंग नॉलेज इन द रेप्यूटेड फर्म लाइक योर्स एंड वॉन्ट टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। सो यू आर अ फ्रेशर। यस सर। ओके, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? सर मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरी मॉम एक हाउस वाइफ है और मेरी बहन भी है जो अभी स्कूल में पढ़ती है। सो इट मीन्स बेसिकली तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड योर मेन मोटिव इज टू पैसा कमाना, राइट? हाँ सर। ओके सो पीयूष, एज आई सी योर रेज्यूमे, तुमने एम कॉम किया है एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? यस सर। सो आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, ओके, रिलेटेड टू द अकाउंट्स। वॉक मी थ्रू द सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके, अ लिटिल इजियर। व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रोसेसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस। अच्छा ये बताओ, अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? सत्री डेट इज पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग पीयूष। अरे ये अकाउंट्स के टाइप है, अकाउंटिंग के नहीं। हाँ सर, मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अरे क्या कंफ्यूज हो गया था, एम कॉम किया तुमने, तुम्हें अकाउंटिंग का बेसिक नहीं पता? कहाँ से किया एम कॉम, कैसी मिल गई डिग्री? तुम लेक्चर्स अटेंड करते थे ना? हाँ आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तुम लोग क्या करते हो, 70% अटेंडेंस लगाने के चक्कर में ना लॉग इन तो कर देते हो लेकिन बैठते हो इधर उधर घूम के। टीचर को थोड़ी पता है बच्चा ऑनलाइन लर्निंग ले रहा है या सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, इतने डिफिकल्ट टाइम में टीचर इतना इनिशिएटिव ले रहे ताकि तुम लोग पढ़ सको। माना कि प्रैक्टिकल इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन जो फैसिलिटीज मिल रही है ऑनलाइन लर्निंग की उसका तो सही इस्तेमाल कर लो। तुम लोग क्या करते हो, लॉग इन करते हो, बाद में टीचर का इंसल्ट करना, मीम शेयर करना, और बाद में क्या, सबसे पहले तो ऑनलाइन लेक्चर के लिए लेट आते हो, जैसे तुम अभी इंटरव्यू के लिए लेट आ गए, और रीजन क्या, नेटवर्क इश्यू। वहाँ बैठो, इस सब चक्कर में ना तुम लोग क्या करते हो, जो बच्चा सिंसियरली पढ़ना चाह रहा उसका भी नुकसान कर रहे। और एग्जाम्स का क्या, एग्जाम का तो कोई टेंशन नहीं है, सब आंसर गूगल पे जो मिल जाता है उठा के छाप दो। ये सब जो चल रहा है तुम लोग का, तुम्हारा एग्जाम तो निकल जाएगा लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम फेस होगा फ्यूचर, जो तुम अभी फेस कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम। कुछ आ रहा है तुम्हें, आ रहा है कुछ? माँ बाप तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ऊपर से तुम मेट्रो सिटीज में रहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब चीजें इजीली अवेलेबल है, और तुम लोग को उसकी कदर नहीं है। जाके देखो रूरल एरिया में जो बच्चे सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं उनको ये सब चीजें नहीं मिल रही है, इसको मिलता है उनको कदर नहीं है। खैर छोड़ दो, बाकी कुछ है तुम्हें इंटरेस्ट, बाकी चीजें कुछ हॉबी वॉबी कुछ है? एक्चुअली मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है लेकिन मैं फिल्म मेकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तुमने कभी काम किया है फिल्म एक्टिंग या वैसा कुछ किया हुआ है? हाँ मतलब कॉलेज में कई सारे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसके साथ साथ अच्छा। मैंने नाटक में भी काम किया है। ओके अरे हमारे कॉलेज में मेरा भी एक दोस्त था, सत्यम, सत्यम नाम था उसका। वो भी क्या करता था, कैमरा एक्टिंग, एंगल, ये सब चीज़ें के बारे में बातें करता था हर टाइम। देखो जब देखो तो वो कैमरा एडिटिंग, कैमरा एंगल, और तुम क्या कहते हो पीओवी एसओ करके कुछ जो कुछ है वो सब चीजों के बारे में बात करता था। सर ओएस मतलब ओवर द शोल्डर, हाँ, वो एक कैमरा एंगल का हाँ, पार्ट जो रहता कुछ है, उसका यूज कब होता है, जब स्क्रीन पर दो लोग बात कर रहे होते हैं ना तब वो यूज होता है ताकि सामने वाले के रिएक्शंस कैप्चर हो सके। तो उसने क्या किया, उसने अपने पैशन फॉलो करने के लिए
कॉलेज तक छोड़ दिया था, मुझे अकाउंट में इंटरेस्ट था, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस फील्ड। सर, किसी ने मेरे पापा को सजेस्ट किया था कि आप अपने बेटे को एमकॉम कराइए, उस लाइन में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। कई बार क्या होता है ना, सैलरी के लिए हम लोग अपने इंटरेस्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हें जो इंटरेस्ट है, जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, वो करो, उसमें बेहतर बनो, समझ रहे हो? यस सर। अरे हमारे जिंदगी में बहुत तरीके के लोग आएंगे, वो उनके डिसीजन पे अपने आप को नचाएंगे, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम चाहते हो, अपने डिसीजन पे अटल रहना। घर वाले अपना भला ही चाहते हैं, लेकिन उनको समझाओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, वो जरूर मानेंगे। लेकिन सर, अगर मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया तो उसमें बहुत स्कोप है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस फील्ड से मुझे इनकम पाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पहले मुझे उस फील्ड की सब जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर मैं उसमें कमा पाऊंगा ना। पेशेंस रखना सीखो। ये जो अंबानी फैमिली बनी है, एक रात में थोड़ी बनी है अंबानी, उसके पीछे कई सालों की मेहनत है, तब जाके आज वो अंबानी कहलाते हैं। हमेशा एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगा। करेक्ट। पता है कौन से मूवी का डायलॉग है? हां सर, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स, यस। देखिए मूवी, उसमें देखो एक फरार नाम का कैरेक्टर है, उसको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट था, तो उसने क्या किया, अपना जी आगे से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था, नहीं था उसका वो पैशन। उसका पैशन क्या था? फोटोग्राफी। तो उसने अपने पैशन के लिए अपना इंजीनियरिंग आगे से छोड़ दिया और वो उसमें बेहतर बना, समझ रहे हो? तुम भी वही करना जिसमें तुम्हारा पैशन है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, और उसमें बेहतर बनने की कोशिश। आप ठीक कह रहे सर। आई मस्ट से पीयूष, तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़की हो, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ओके? बी पॉजिटिव। थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी टू फाइंड माई सेल्फ। सर, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है मुझे। और हाँ, जो तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें बेहतर बनो, उसमें अपना करियर करो, उस पर फोकस करो, समझो? यस। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके? थैंक यू। यस सर। हैव अ गुड टाइम।